नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, एक बार की बात है, जाड़े का दिन था और शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वह सब बार बार काँव काँव की आवाज़ कर रहे थे, एक दूसरे झगड़ा भी कर रहे थे। इस समय एक महिला वहाँ आई और उसे पेड़ की डाल पर बैठ गई। मैना को देखते हुए कई वे इस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवे ने कहा, नहीं, यह हमारा पेड़ है, ये तो यहाँ से भाग जा। मैना बोली, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस अवधि में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ। तुम लोग मुझे पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। उन्होंने कहा, तेरी जैसी बहन मैं नहीं हूँ। चाहिए तो बहुत ईश्वर का नाम लेती हुई तो ईश्वर के भरोसे ही यहाँ से चली, क्यों नहीं जाती है? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। कौवे को काँव काँव की आवाज़ से झपट्टे देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठकर रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। मैना को हुए गांव के करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत बड़े, परंतु ओलों के मार के स्थित घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक डाली टूट कर गिर गई। डाल टूटने से उसकी जाल के पास एक जगह हो गई। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक ठीक बोला नहीं लगा। सवेरे हुआ और थोड़ी देर बाद चमकीली धूप निकली। मैना ने उस पर ये बार निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया। ओलों से घायल पड़े हुए ने मेंढक उड़ते देखकर कौवे ने, बहन तू कहाँ रही, तुम्हें ओलों से किसने बचाया? मैना ने कहा, आम के पेड़ पर अकेली बैठी बाघ किंतु प्रार्थना करती रही भगवान पर मेरी मदद की। दोस्तों, दुख में पड़े और सफ़ेद जी को ईश्वर के सिवा कोई नहीं बचा सकता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर सभी आपत्ति और विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की माया निराली है, हमारे समझने में कमी हो सकती है परंतु ईश्वर के करने में नहीं होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल दे दाता के नाम को सब्सक्राइब करें।